हेलो एवरीवन एंड हैप्पी संडे टू ऑल। बहुत बारिश हो रही है और मेरी तबीयत भी ख़राब हो चुकी है कल से। बहुत जुकाम है मौसम ख़राब होने की वजह से। तो यहाँ एक चीज़ क्लियर कर दूँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेट शीट आ गई है, ये सबको पता चल गया होगा। टेंटेटिव है और मोस्टली ऐसा होता है कि यही फाइनल होती है। तो यहाँ पे जो बीएड सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम देंगे अपना, उनके लिए एक मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि जो CPS 11 जो आपका सब्जेक्ट है उसको प्लीज़ हल्के में मत लेना। जिनके मैथ्स वगैरह अच्छी है वो तो कर लेंगे, बट जिनके मैथ्स में हार्ड टाइट है लाइक मी, तो वो थोड़ा सा जो उसमें थ्योरी पार्ट है उसको थोड़ा अच्छे से कर लेना, कहीं और से यूट्यूब से वीडियो वगैरह देख के उसको समझ लेना। और जब भी आपका एग्ज़ाम है उसके लिए ऑल द वेरी बेस्ट। और इसके अलावा जो है बाकी सब्जेक्ट्स भी इम्पॉर्टेंट है, बट जो CPS 11 है, क्योंकि बुक्स में ना पहली बार तो बुक ही नहीं आई है, और बुक नहीं आई है तो PDF से पढ़ना पड़ेगा, और PDF में भी मैं क्या ही बताऊँ, बस काफ़ी चीज़ें उसके अंदर मिसप्रिंट है, कुछ समझ नहीं आएगा CPS 11 में। तो सिंपली करना क्या है, जो मैंने किया था वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सिंपली टॉपिक उठाना, उसको गूगल कर लेना, नहीं तो यूट्यूब से टॉपिक वाइज टॉपिक चीज़ें देख लेना। मतलब थ्योरी सेक्शन मैंने किया था, क्योंकि मेरा न्यूमेरिकल सेक्शन बिल्कुल अच्छा नहीं है, मेरी मैथ्स बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, तो मैंने थ्योरी सेक्शन से ही उसको पास आउट किया है एग्ज़ाम को। तो और उसको तो बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, और बाकी तो नॉर्मली हो जाएंगे, क्योंकि जिसने DLED किया हुआ है रेगुलर वो बाकी सब्जेक्ट तो आराम से कर लेगा। तो इतनी सी इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए, थैंक यू, और बारिश का मज़ा लीजिए।